मेरा नाम पॉल फ्रांसिस प्रेम है, क्रिस बॉन केनल्स मेरा केनल है, मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। मैं तो ये जो टॉपिक और ये वीडियो चल रहा है, इट्स बेसिकली अबाउट ब्रीडिंग के ऊपर, ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें इधर सलाह देने वाला हूँ कि अबाउट ब्रीडिंग कौन सा करना, हर कोई भी ब्रीड रहेगा, कौन सा भी ब्रीडिंग करो, बेसिकली उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दो ही कैटेगरी होता है। एक तो ब्रीडिंग करो जीनोटाइप के ऊपर या फिर करो फिनोटाइप के ऊपर। जीनोटाइप होता है पूरा ब्लड लाइन के ऊपर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडसन, ये सब जेनेटिक्स जो है इसको बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप बोलता है एनाटॉमी, फ्रेम, प्लस माइनस ऑफ द डॉग। अगर कोई भी कुत्ता कुत्ती में जो प्लस और माइनस है दोनों देखना पड़ता है। पहले मैं फिनोटाइप की बात कर लेता हूँ, फिर जीनोटाइप पे आता हूँ। फिनोटाइप होता है जो कुत्ते का ग्राफ होता है, जो एनाटॉमी फ्रेम है, टॉप लाइन, हेड, नेक, टेल, फ्रंट, अपर आर्म, लोअर आर्म, पैस्टन, हॉक्सेट, सेकेंड थाई, ये सब बैलेंस और बाइट, कलर डाइल्यूशन, ये सब देखता है ना। ये सब देख के उसका जो प्लस माइनस हर कुत्ते का ओनर या कुत्ती का ओनर को समझना चाहिए, उसके कुत्ते में क्या प्लस है और क्या माइनस है। जो माइनस है वो माइनस को स्ट्रांग करने के लिए उसका कुत्ता या कुत्ती जो यूज करने वाले उसके ऊपर ध्यान देना, उसमें वो पॉइंट्स ज्यादा रहे, उसकी बेसिस पे ब्रीडिंग करना। अगर उसमें भी अगर फॉल्ट रहेगा तो फॉल्ट माइनस टू माइनस नेवर बिकम्स प्लस, ये ज्यादा माइनस ही होता है इधर ब्रीडिंग में। इसलिए फिनोटाइप ब्रीडिंग में आप यू कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर, बेहतर बना सकते हो कोई भी ब्रीड को। तो इसलिए हमेशा कुत्ते में जो फॉल्ट है उसको नेगेटिव करने के लिए, नलीफाई करने के लिए जो अच्छा कुत्ता है उसके साथ ही ब्रीड करना। इसमें ब्रीडिंग में कभी भी सिर्फ इम्पोर्ट्स पे मत जाना, कोई भी ब्रीड के लिए इम्पोर्ट्स के लिए ऊपर जाने का जरूरत नहीं। आपको कोई भी कुत्ता क्वालिटी बेसिस पे चाहिए। बेसिकली इट इज द फादर एंड मदर हु कैन बी द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्रीड। इसमें 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर का होता है, 40% फादर का होता है, क्योंकि फीमेल जब वेल्पिंग में होती है तब से कंडीशन लाना जरूरी है। बिफोर वेल्पिंग प्रोसेस में भी उसको कंडीशन रखना पड़ेगा, ऑन द प्रोसेस ऑफ वेल्पिंग, देन लिटर के बाद भी उसको कंडीशन रखना जरूरी है। इसलिए 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फीमेल मदर के ऊपर। फादर का जिम्मेदारी होता है जो मेटिंग का टाइम पे, उस टाइम पे उसका कंडीशन बहुत सही होना चाहिए। अगर कंडीशन कोट पे या क्वालिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो तो प्लीज उस समय मेटिंग मत करिएगा, क्योंकि वो ब्रीडिंग पे असर करता है, इंक्लूडिंग कोट कंडीशन। ये होता है फिनोटाइप ब्रीडिंग। जीनोटाइप ब्रीडिंग में काफी लोग इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते। काफी लोगों को, आधे लोगों को मालूम है क्या होता है, आधे लोगों को हाफ बेक्ड होते हैं। सॉरी टू क्रिटिसाइज, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं इधर, लेकिन आधा सुना है इन्फॉर्मेशन पे कभी काम नहीं करने का। जब भी करना है तो उसका जीनोटाइप पे काम करना है, तो लाइंस 3:1 या 6:2 ऐसे प्रोपोर्शंस होते हैं, उनका समझना चाहिए। कलर डाइल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर डाइल्यूशन के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर भी काम करना पड़ता है, अलावा एनाटॉमी एंड फ्रेम। लेकिन कभी भी इन ब्रीडिंग पे मत जीकर मत, क्योंकि फादर एंड डॉटर ये बहुत फॉल्ट्स कैरी कर सकते हैं। प्लीज डोंट डू इन ब्रीडिंग। हाफ ब्रदर टू हाफ सिस्टर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली मदर एंड सन नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा कैसा ब्रीडिंग करना है। नहीं है तो फिर गो टू एडवाइजर्स, जो सीनियर लोग हैं जो ब्रीडिंग में कुछ हासिल किए, उनसे पूछिएगा कौन सा ब्रीडिंग क्या काम करते हैं, उसकी बेसिस पे डिसाइड करके करिएगा। लाइन ब्रीडिंग में मोस्टली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है ग्रैंड फादर इन टू ग्रैंड डॉटर, तो 3:1 प्रोपोर्शन बोला जाता है, तो हमेशा उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। लेकिन फादर इंटू डॉटर पे मोस्टली यू गेट 75% फॉल्ट एंड 25% सक्सेस रेट। एक बच्चा या दो बच्चा बहुत सुंदर आ सकता है इंटू फादर इंटू डॉटर, लेकिन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर पे मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये मोस्ट ऑफ द ब्रीड्स पे काफी लोगों ने सक्सेस कायम किया। हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर ऑल्सो वर्क, इस पर ये भी काम करता है, मेहनत पे रिजल्ट आता है। काफी लोग लिखते हैं, पोस्ट करते हैं डबल बोन, डबल हेड, डबल मास, बिग साइज हेड। ये मोस्टली रॉटवेलर और लैब्राडोर में आता है। पहला चीज, हर ब्रीड का एक स्पेसिफिकेशन होता है, उनका साइज इतना ही हो सकता है प्रोपोर्शन। रॉटवेलर को रॉटवेलर का हेड होना चाहिए, लैब्राडोर को लैब्राडोर का हेड होना चाहिए। ये बोन साइज इतना फुका के या हेड बढ़ा के बना के या बिगर साइज लैब्राडोर बना के मतलब नहीं है। ये साइज जो कॉम्बिनेशन बनता है स्टैंडर्ड साइज होता है, इसका एनाटॉमी होता है, पेट होम के लिए हो या फिर ब्रीड के लिए हो या शोइंग के लिए हो, बेसिकली ये एनाटॉमी स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल का दुनिया में
जो हम लोग ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट जेंट्स, वी आर स्पेसिफिकली 6 फुट या 5.5 फीट, इन दोनों के बीच में ही हम लोग हैं। जब ह्यूमंस में जैन पैदा नहीं हो रहे तो फिर एनिमल्स में जैन पैदा करके मतलब नहीं। सो लेट्स नॉट हैव अ एग्जाजरेटेड ब्रीड स्टैंडर्ड विच इज नॉट राइट फॉर द ब्रीड। आजकल लैब्राडोर में बिगर हेड, बड़ा हेड बोला जाता है, रॉटविलर टाइप हेड है या मैस्टिफ टाइप हेड दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े फ्लूज वाले, ज्यादा रिंकल्स वाले, ये ब्रीड स्टैंडर्ड कहीं पर लिखा नहीं है। जब ब्रीड स्टैंडर्ड किसी ने लिखा है, जो ब्रीड को बनाया है, ब्रीड जो है उन्होंने बनाया कि इसका स्पेसिफिकेशन ऐसे ही हो सकते हैं, 2 हाथ 10 उंगलियां, इसको आप 12 हाथ और 20-30 उंगलियां नहीं कर सकते। तो बड़ा बड़ा बना के मतलब नहीं बनता। सो स्पेसिफिकली बड़ा हेड या बड़ा रिंकल्स, ज्यादा मसल, जो फ्लूज जो ऑकवर्ड दिखते हैं, उनके उनसे कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए वो उस पर कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करने के, क्योंकि जैन से इस बना के कोई भी का ब्रीड चेंज नहीं कर सकता। वी आर नॉट डूइंग ए फ्यूजन ऑफ टू ब्रीड्स, वी आर ट्राइंग टू डू अ स्पेसिफिक प्योर ब्रीड स्टैंडर्ड। तो स्पेसिफिक प्योर ब्रीड स्टैंडर्ड भी ये नहीं बन सकता। अगर किसी को कुछ सलाह चाहिए मुझसे तो कभी भी मांग सकते हो, मेरा फेसबुक का लिंक है, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, इस पर लिख सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मिल जाएगा, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। या फिर दो एडवाइस दूंगा, पर्सनली कभी भी ब्रीड लेना तो टेक इट फ्रॉम अ एथिकल ब्रीडर या फिर अडॉप्ट अ डॉग। मैं प्रेम पॉल, क्रिसबॉर्न कैनल्स, मुंबई, महाराष्ट्र, इतना ही सलाह दूंगा, कभी भी पप्पी या कोई ब्रीड लेना हो एथिकल ब्रीडर से लीजिएगा। एथिकल कोई भी एथिकल ब्रीडर, एथिकल प्रैक्टिस बहुत होते हैं, एथिकल ब्रीडर से लीजिएगा, जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड प्रॉपरली प्रैक्टिसिंग ब्रीडर्स रहेंगे उनके उनसे लीजिएगा। वरना प्लीज अडॉप्ट अ डॉग, नेवर बाई इट फ्रॉम अ वेटनरी और अ पेट शॉप।